iPhone SE 3 अभी लॉन्च हुआ है एंड एप्पल ने इस फोन में कुछ माइनर इम्प्रूवमेंट्स करी हैं, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी बात आती है इसकी प्राइसिंग। इंडिया में इसकी प्राइसिंग लगभग 44,000 रुपीज है 64 GB वेरियंट की, जो कि काफी ज्यादा क्लोज है iPhone 12 mini के 64 GB वेरियंट के, क्योंकि iPhone 12 mini भी आपको सेल में लगभग 43 से लेके 44,000 रुपीज का मिल जाता है। तो अब इसके बाद कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि iPhone SE 3 2022 का फोन है, वहीं iPhone 12 mini 2020 में लॉन्च हुआ था। बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है, आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट होगा, तो आज मैं आपको बताऊंगा रीजंस व्हाई iPhone 12 mini इज बेटर देन iPhone SE 3। वीडियो को एंड तक जरूर देखना एज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड इसे देखने के बाद आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। सो हे गाइस, मायसेल्फ अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइव, लेट्स बिगिन। वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। तो बात करते हैं सबसे पहले रीजन की, फॉर्म फैक्टर एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। iPhone 12 mini का जो फॉर्म फैक्टर है हल्का सा छोटा है iPhone SE 3 की कंपैरिजन में, मतलब कि ऑब्वियसली iPhone SE 3 को जो लोग परचेज करने का सोचेंगे उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको एक कंफर्टेबल फोन चाहिए, इसलिए वो उसको बाय करेंगे, तो उस केस में iPhone 12 mini और ज्यादा बेटर है। फॉर्म फैक्टर आपको कम देखने को मिलेगा, फोन और भी ज्यादा लाइट वेट है एंड उसी के साथ एक और अच्छी बात आती है, इसमें आपको डिस्प्ले का साइज और भी ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है, 4.7 इंचेस वर्सेस 5.4 इंचेस। तो इस मामले में iPhone 12 mini डेफिनेटली काफी ज्यादा बेटर है। अब इसी के बाद एक बहुत ज्यादा बड़ा फर्क आता है डिस्प्ले की क्वालिटी का। iPhone SE 3 में आपको वही iPhone 8 वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है 4.7 इंचेस का LCD डिस्प्ले, बट वहीं iPhone 12 mini के डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बेटर है, इसमें आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब दोनों डिस्प्लेस की ब्राइटनेस लगभग बराबर है, 6-5 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस, बट iPhone 12 mini में आपको HDR कंटेंट में 1200 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड डिस्प्ले बड़ा होने की वजह से आपको कंटेंट वॉचिंग में और भी ज्यादा मजा आएगा। वहीं OLED डिस्प्ले होने की वजह से इसके व्यूइंग एंगल्स बेटर है, डीपर ब्लैक्स है एंड ये डिस्प्ले काफी ज्यादा शार्प है एज कम्पेयर टू iPhone SE 3 LCD पैनल। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो कि iPhone SE 3 में टोटली मिसिंग है, वो है अल्ट्रा वाइड लेंस। तो iPhone 12 mini में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा केपेबल है। इसके कैमरा की परफॉर्मेंस iPhone 11 से भी बेटर है एंड इवन इसके अल्ट्रा वाइड लेंस में आपको नाइट मोड भी देखने को मिलता है एंड उसी के साथ आप इसके अल्ट्रा वाइड लेंस से 4K 60fps वीडियो शूट कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टेबलाइजेशन के साथ। तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं है व्लॉगर्स के लिए, जो लोग यहाँ पे वीडियोग्राफी ज्यादा करते हैं उनके लिए ये वाली चीज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। उसी के साथ आपको प्राइमरी लेंस की परफॉर्मेंस भी बेटर देखने को मिलती है। iPhone 12 mini की प्राइमरी लेंस में आपको नाइट मोड देखने को मिलता है, जो कि अगेन iPhone SE 3 में मिसिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, वो है वीडियो परफॉर्मेंस। अब iPhone 12 mini सारे लेंसेज से 4K 60fps वीडियो शूट कर सकता है, इवन फ्रंट कैमरा से भी, जिसकी वीडियो क्वालिटी सच में बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। उसी के साथ आप iPhone 12 mini के प्राइमरी लेंस से HDR वीडियो शूट कर सकते हो 4K 30fps में। वहीं iPhone SE 3 के फ्रंट कैमरा की वीडियो लिमिटेड है 1080p तक। वहीं हम बात करें कुछ और चीजों की, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे लोगों को ये चीज मैटर करेंगी। सबसे पहले चीज है IP रेटिंग। iPhone 12 mini में आपको IP68 रेटिंग देखने को मिलती है एंड iPhone SE 3 में IP67। तो डिफिकल्ट कंडीशंस में ऑब्वियसली iPhone 12 mini ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, ज्यादा वाटर एंड ज्यादा डस्ट रेजिस्टेंट है। वहीं आपको iPhone 12 mini में फेस ID देखने को मिलती है, जो कि लेटेस्ट iOS 15.4 के अपडेट के बाद उसमें आपको लेटेस्ट फीचर भी देखने को मिल जाता है, फेस आईडी विद मास्क। तो पहले एक बहुत ज्यादा बड़ा इशू होता था, फेस आईडी को मास्क के साथ यूज नहीं कर सकते थे, टच आईडी ज्यादा कन्वीनियंट थी, बट अगेन वो वाला इशू भी अब सॉल्व हो चुका है। वहीं आपको iPhone 12 mini में मैक्स से 15 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, जो कि iPhone SE 3 में मिसिंग है। इसी के साथ इन दोनों फोन्स में एक बहुत ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन है बैटरी लाइफ को लेकर। तो एप्पल के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दोनों ही फोन्स का जो बैटरी बैकअप है ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब कि सिमिलर अमाउंट का वीडियो प्लेबैक टाइम एंड नेट सर्फिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। बट आपको जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए उसमें iPhone 12 mini डेफिनेटली बेटर है एंड ऑब्वियसली iPhone 12 mini एक ज्यादा प्रीमियम डिवाइस है, ये 70,000 रुपीज का लॉन्च हुआ था, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के लिए ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर हो सकता है एज कम्पेयर टू iPhone SE 3। तो आप लोगों को इस चीज पे क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे इसी तरीके के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।